हर वो चीज जिसके अंदर बाकी रहने की सिफत है, जिसकी असल बाकी रहना है, वो बाकी रहेगी और दूसरी चीजें फना हो जाएंगी। इंसानी जिस्म फना होता है और वक्त के साथ साथ वो मिट्टी का हिस्सा हो जाता है, और इस जिस्म को जो चलाए रखती है वो है रूह, जो अमरे रब्बी है। लेकिन रूह आलम बरजुख में जिंदा रहती है, इसलिए न वो ऊँगती है न वो सोती है। मौत के बाद जो आलम बाला है उसके असरार तो रूहों पर नहीं खुलते, क्योंकि वो आलम बरजुख से ऊपर जा नहीं पाता। आलम बरजुख के दो हिस्से हैं, अलियन और सजियन। अलियन में तो वो लोग हैं जो नेक अमल करते हैं, और सजियन में वो लोग हैं जो नेक अमल से जरा दूर रहते हैं। तो आलम बरजुख और जमीन के दरमियान के मामलात तो उनके इल्म में रहते हैं, लेकिन आलम बरजुख से ऊपर के मामलात उनके इल्म में नहीं आते। रूह तो बजात खुद एक मुकम्मल चीज है, और उसको अदराक बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह हमें इस आलमुल असबाब में है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां हमारे जिस्म को अगर सुई चुभोई जाएगी तो हमें जिस्मानी तकलीफ का एहसास होगा। रूहानी की बात नहीं कर रहा मैं, जिस्मानी तकलीफ कह रहा हूं। लेकिन रूह को ये सुई नहीं चुभो के हम तकलीफ दे सकते। तो ये जो पांच हमारे हवास हैं, हवास खमसा, वो जिस्म से मुताल्लिक हैं, वो नहीं लेकिन उसको अदराक हर चीज का है। रवायत यही है कि जुमेरात की शाम को उसके रूहें अपने कब्र के साथ रब्ता कायम करती हैं, वहां मौजूद होती हैं। तो इस वजह से लोग ज्यादा जुमेरात को जाती हैं।